हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सोनू सूद को मसीहा कहा जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे लॉकडाउन के दरमियान हमने देखा किस तरीके से उन्होंने प्रवासी मजदूरों की मदद की, उन्होंने स्टूडेंट्स की मदद की और अब तो आलम यह है कि सोशल मीडिया पर लोग सोनू सूद से गुहार लगाते हैं और सोनू उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और न जाने ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो सोनू सूद ने सेट किए हैं और यही वजह है कि उनको असल जिंदगी का हीरो बुलाया जा रहा है। फिल्मी पर्दे पर अक्सर विलन के किरदार में निभाने वाले सोनू सूद असल जिंदगी में किसी हीरो से कम साबित नहीं हो रहे हैं और अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि सोनू सूद के वो जरिया कौन सा है जिस वजह से वो इतने ग्रैंड लेवल पर लोगों की फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं। खबरें ऐसे में ये आ रही हैं कि सोनू सूद यूं तो एक एनजीओ के साथ मिलकर इस तरह से लोगों की मदद करते हैं लेकिन इन सब के बीच खबर ये भी है कि सोनू ने 10 करोड़ का लोन मिलने का एक प्लान बनाया है। वो लोन लेने जा रहे हैं 10 करोड़ का और इसके लिए उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है। 2 दुकानें और 6 फ्लैट्स यानी कि टोटल 8 उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं जिनको गिरवी रखा है सोनू सूद ने और उसके बाद वो 10 करोड़ का लोन ले रहे हैं। खबरें ये भी हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सोनू सूद और उनकी पत्नी सोनाली के नाम पर हैं और उन्होंने इस 8 ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको गिरवी रखा है। हालांकि सोनू सूद की तरफ से अभी कोई कन्फर्मेशन इस खबर को लेकर तो नहीं आया है, कोई रिएक्शन उनका नहीं आया है लेकिन इस तरह की खबरें हैं कि सोनू सूद अपनी 8 प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर इतना बड़ा लोन ले रहे हैं और वो लोन इसलिए ले रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में वो लोगों की मदद कर सकें। बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मदद सोनू सूद करना चाहते हैं और इसीलिए वो ये फाइनेंशियल मदद बैंक से लेने जा रहे हैं। बता दें आपको, सिर्फ स्टूडेंट, सिर्फ प्रवासी मजदूर ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, पीपी किट्स प्रोवाइड कराना हो या फिर फेस शील्ड्स प्रोवाइड कराना हो, मतलब ये समझ लीजिए कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सोनू सूद इस वक्त जरूरतमंदों के लिए कर रहे हैं। बिहार में अभी कुछ महीने पहले जब बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी तो कई लोगों के घर ढह गए थे, उस दौरान भी सोनू सूद ने कई लोगों के घर बनवाए थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोनू सूद कर रहे हैं। तारीफ उनकी हो रही है, सराहना उनकी हो रही है लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ये आदमी इतना पैसा ला कहां से रहा है और यही वजह है कि अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि बेचारे सोनू सूद अपनी ही प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हैं। तो वाकई में बहुत बढ़िया खबर है, बहुत अच्छी चीज ये है कि सोनू सूद दूसरों की मदद करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी भी गिरवी रखने से नहीं चूक रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।